भरभराहट आ रही है और वो ना जाने क्यों आ रही है, हवा की वजह से आ रही है, कैसे आ रही है। तो अभी जो माइक है मैंने उसको अभी आपका हमारे YouTube चैनल डेली मोटो ब्लॉग में। और भाई अपना GoPro का फुल सेटअप हो चुका है, मतलब माइक अडेप्टर टोटली गलंजी का केस, तो बढ़िया वाला सेटअप करके निकले हुए हैं माइक टेस्टिंग पे। और भाई देखते हैं कैसा क्या रहता है। तो पहले यहाँ से निकलते हैं बाहर और एक बार अभी स्लो में भी कर रहे हैं हम रिकॉर्ड, उसके बाद अभी उस साइड से आते हैं तो फास्ट रिकॉर्ड करते हैं, मतलब स्पीड तेज में। तो क्या रिस्पांस रहने वाला है इसका, तो वो देखते हैं। एक बार हेलमेट का वाइज़र मैंने अब ओपन कर लिया है तो कैसी आवाज़ आ रही है वो भी देखते हैं। और मतलब रैपिडो और अपने ने ओला ऑन करी हुई है, अगर देखते हैं कोई भी ड्यूटी बजती है तो एक्सेप्ट करके और राइड भी कर लेंगे और अपना GoPro भी माइक टेस्ट हो जाएगा। तो भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉस्टली सेटअप लगाया है हमने, तो भाई आप लोग भी उतना ही अच्छा रिस्पांस दें। और अभी माइक टेस्टिंग चल रही है क्योंकि मुझे नहीं पता इसको कहाँ लगाना होता है कहाँ नहीं, तो मैंने बस इसको जैसे तैसे सेट कर दिया वायर अंदर डाल के। वायर अंदर डालने के बाद भाई अब मतलब टेस्टिंग पे निकले हैं तो एक बार सुनेंगे घर जाके कैसी वॉइस आ रही है कैसी नहीं आ रही है। तो मतलब उसमें काफ़ी भरभराहट आ रही है और वो ना जाने क्यों आ रही है, हवा की वजह से आ रही है, कैसे आ रही है। तो अभी जो माइक है मैंने उसको अभी पीछे रखा हुआ है, तो जो माइक है वो मैंने पीछे डाल दिया है और देखते हैं अब कैसे रिकॉर्डिंग होती है। और एक चक्कर और लगाते हैं क्योंकि भाई राइड तो आने देते तो अपना यही कर लेते हैं और माइक टेस्टिंग ही कर लेते हैं, तो क्योंकि बाद में कोई प्रॉब्लम हो वीडियो अच्छी ना बने तो वो ठीक नहीं है। तो उससे पहले ही हमने क्या करा है कि माइक को अपना पीछे सेटअप कर लिया है। तो एक चक्कर और मारते हैं, अभी जो वाइजर बंद करके मैं कर रहा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग, तो भाई काफ़ी। तो भाई फिर से हमने एक बार चेक करा, आवाज़ अभी भी बरबर आ रही है। तो अब मैंने क्या करके देखा, इसका एक जो मतलब हम इसको सेटअप करते हैं तो मोड चेंज होते हैं, तो पहले स्टैंडर्ड प्लस मोड पे था, मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड पे करा है। और वाइज़र बंद करते हैं और देखते हैं अब क्या रिजल्ट रहता है। तो भाई इसीलिए अच्छा हुआ हम सेटअप कर करके देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा भाई। अब ये पता नहीं कि इसमें ये मतलब माइक की सपोर्ट नहीं हो रहा या क्या हो रहा है, तो भाई वो चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। तो चलाते हैं फिर से अपनी वही 50-60 की स्पीड पे, तो भाई क्या रीज़न है क्या नहीं है, तो अब देखते हैं मोड चेंज करने के बाद जो होता है या नहीं होता है। तो भाई एक बार पहले ये देख लेते हैं मोड चेंज करने के बाद, अगर हमें मिल जाता है तो ठीक है और नहीं तो फिर इसको दूसरी जगह सेट करके देखेंगे। अगर मान लीजिए इसी में कोई दिक्कत हुई तो मतलब अगर मोड चेंज करने से ठीक हो गया तो समझ लो हमारा भाई मोड में प्रॉब्लम थी, हमने ठीक सा मोड सेट नहीं करा हुआ था। तो अब एक बार रुक के वहीं से वापस देखते हैं और एक बार चला लेते हैं भाई 60। हेलो 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 हेलो, अब एक बार रुक के चेक करते हैं। तो भाई जो हमने अभी मोड चेंज करा था उसमें थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ा है, जो मतलब काफ़ी आपने देखा होगा कि भरभरा रही थी अब भरभरा नहीं रही है। तो क्या करते हैं हम एक बार फिर ट्राई करते हैं, मतलब पूरा सा अब भरभरा नहीं रही तो एक बार फिर। अभी पीछे लगाया हुआ था तो मतलब कान के पास इसको लगाया हुआ था, सेटअप करा हुआ था, तो अब हमने इसको कर लिया अपने मुँह के पास, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है फाइनली। अगर अब आ गया मतलब अगर अब भरभराया नहीं तो इसको हम यहीं फिक्स छोड़ देंगे। और मैंने एक तो हेलमेट की जो नीचे नेक के पास जाली लगी होती है जिससे विंड ब्लास्ट नहीं होती, हवा नहीं आती है, वो चीज़ छोड़ी हुई है। तो भाई अब एक बार फिर से टेस्ट करते हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे हम लगा भी लेंगे, ऐसी कोई इशू नहीं है, मैंने रखी हुई है उसको, अगर हवा वगैरह लगी तो उसको हम दोबारा से लगा भी लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। बस एक बार फिक्स हो जाए ना कि हमें माइक यहीं सेट करना है, उसके बाद अच्छे से वायर वगैरह सेट कर देंगे और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी फिर उसके बाद। तो यहीं से देख लेते हैं, कट जो है काफ़ी गंदा है।
और भाई होप करता हूँ भाई वीडियो में वॉइस आप क्लियर आ रही हो प्लीज़, क्योंकि यार 5 चक्कर काट चुका हूँ मैं, 5 चक्कर इधर से ही। तो अब एक बार रुक के सुनते हैं अब वॉइस कैसी आ रही है, क्या रिजल्ट है अपनी वॉइस का। तो भाई निकल चुके हैं हम सेक्टर 28 के तरफ, क्योंकि जो अपनी ओला और रैपिडो वगैरह जो है वो तो कुछ भी बजी नहीं। तो इसमें क्या है भाई, अपना फ्रेंड है जो जैसे एक वीडियो में मैंने दिखाया भी था नवीन, तो वो भी मतलब पार्ट टाइम में मेरे साथ ही जॉब, मतलब मेरे साथ जॉब करते हैं पार्ट टाइम में, अपना ओला उबर राइड कर लेते हैं। तो उनका फ़ोन आया, कहते हैं सूरज भाई आज मेरा क्लाइंट छोड़ दो, मतलब मेरा कस्टमर छोड़ दोगे। तो मैंने बोला क्यों नहीं भाई छोड़ेंगे। तो अभी मैम को लेके जा रहे हैं हम सेक्टर 28, और मैंने बोला इसी बहाने क्यों ना अपने माइक की टेस्टिंग भी हो जाएगी और मतलब सब कुछ हो जाएगा, तो मैम को छोड़ भी आएंगे और अपने माइक वगैरह की टेस्टिंग भी हो जाएगी। तो मैम को हमने पिकअप करा अपने घर के इधर से ही, जैसे कि आपको पता ही होगा उस टाइम हम टेस्टिंग कर रहे थे, तो वहीं से मैम को पिकअप कर लिया और हमें छोड़ना है 28 सेक्टर द्वारका के। तो चल रहे हैं अब, होप करते हैं भाई वीडियो पसंद आ रही हो आप सभी को, और वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो भाई, और थोड़ा सपोर्ट बना के रखो तभी मतलब आगे हम बढ़ पाएंगे। क्योंकि यार अगर ऐसे व्यूज़ आएंगे और आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो यार हम कितना ही क्या कर लेंगे, बस वीडियो बना के डाले जाएंगे, आप लोग देखोगे नहीं तो कैसे होगा। तो भाई वीडियो देखा करो और देख के लाइक भी करा करो, और जो चैनल पे न्यू आते हैं भाई सब सब्सक्राइब भी करके जाया करो, एक दिन तुम्हारा भाई भी मतलब बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाने ही लगेगा अगर अभी अच्छी नहीं लग रही आपको तो। और भाई द्वारका के रोड तो मतलब लाजवाब हैं, इसका कुछ कहने ही नहीं है, मतलब अल्टीमेट रोड हैं। क्योंकि भाई कहीं भी, लेकिन एक चीज़ की हमेशा शिकायत रहती है द्वारका में कि भाई रेड लाइट बहुत हैं, बस इस रूट पे नहीं है, बाकी अगर आप उधर चले जाओगे द्वारका 1, 2, 3, 4 सेक्टर की तरफ तो भाई लाइट ही लाइट हैं। इधर थोड़ा मतलब रेड लाइट कम है और ट्रैफिक भी कम होता है काफ़ी, और रोड है तो भाई एक नंबर की ग्रीनरी अलग होती है। तो मिलते हैं थोड़ा आगे चल के, अभी सीधा 9 किलोमीटर हमें जाना है। TVS रेडर ये काफ़ी चल रही है आजकल भाई, जिसको देखो यही निकाल रहा है, और नहीं लुक भी काफ़ी अच्छी है, आगे से मधुमक्खी की तरह लगती है भाई। जो मूवी आई थी ना मक्खी हूँ मैं, मक्खी तो मैंने मौत चखी, मैं जो ब्लू सी बिल्डिंग है उसमें छोड़ने आया 2-3 बार मैम को, एक को मैं और नवीन साथ ही जॉब करते हैं। हाँ जी, तो कहने लग गया कि मैं तो अपनी ब्लॉगिंग वगैरह शूट कर रहा था, कहता मैम को छोड़ा आज मेरा मन नहीं, मतलब ठीक है कॉल किया था उस समय मैं तो मतलब कोई नहीं, मैंने बोला तो फिर वो कहता मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो भाई मैम को हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है और अब अपनी ड्यूटी ऑन करते हैं, नहीं तो खाली जाना पड़ेगा। 85 रुपीज़ मैम ने करा है और लगभग 9 किलोमीटर की राइड थी अपनी। तो अब चलते हैं थोड़ा बाहर की ओर निकलते हैं और वेट करते हैं अपनी नेक्स्ट राइड का। और भाई क्योंकि इतना दूर आगे 9 किलोमीटर आए, 9 किलोमीटर खाली भी जाना पड़ेगा, 9-18 किलोमीटर। बस मैं तो अपनी माइक टेस्टिंग के चक्कर में आ गया था, नहीं तो घर ही जा रहा था, मतलब जब तक देख लेंगे भाई अपनी माइक टेस्टिंग भी हो जाएगी बढ़िया सी और अपना मतलब काम भी बन जाएगा, जो भी अपना पेट्रोल लगेगा वो तो फिर डल ही जाएगा, क्योंकि 85 रुपीज़ करे हैं उसमें पेट्रोल डलवा लेंगे अपना, अपने पेट्रोल का तो काम निकल जाएगा। तो भाई रिकॉर्डिंग भी पता नहीं कैसी है, अब तो घर जाके ही सुनेंगे, क्योंकि उस टाइम जब सेट करा था तब तो काफ़ी बढ़िया रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक के अपनी राइड ऑन कर देते हैं, क्या पता कहीं ना कहीं की तो बजी जाएगी भाई।
तो भाई वहाँ पे मैम को छोड़ने के बाद हम निकल लिए अपने घर के लिए, क्योंकि भाई मुझे याद हो आपको अगर आपने वीडियो देखी हो तो यहाँ पे सेक्टर 28 में मैं ऑलरेडी आ रखा हूँ, यहाँ पे राइड बजनी मुश्किल है और राइड आ रही है बहुत सारी राइड, बट लेकिन कहाँ की, गुड़गांव 8 सेक्टर, गुड़गांव 111 सेक्टर, गुड़गांव मतलब सारी गुड़गांव की आ रही हैं, अगर मैं गुड़गांव चला गया तो ऑफिस कौन जाएगा, तो इसीलिए निकल लिए हम घर की तरफ। कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया भाई अपने पेट्रोल का जुगाड़ हो गया, जो भी हमने पेट्रोल फूकेगा उसके पैसे आ गए अपने पास, और अपनी मेन जो थी अपनी माइक टेस्टिंग थी, तो भाई माइक टेस्टिंग हो चुकी है और भाई वीडियो देखेंगे कैसी बनी है, मतलब आवाज़ कैसी आई है, और पैसा लगाना मतलब बेकार तो नहीं हुआ, और वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, मतलब कैसा क्या है रिव्यू में देखते हैं अभी, जब वीडियो हम खुद भी देखेंगे और आप लोग भी देखेंगे। तो भाई कमेंट करके बताना कि कोई इससे भी अच्छा माइक था क्या जो मैं परचेस कर सकता था इस बजट के अंदर, जो कि जो मेरा बजट है जो मैंने आपको बताया जैसे 2000 का बजट था उसमें, तो मेरे को तो भाई एक भाई ने बताया था K2K मोटो ब्लॉग्स जो बनाते हैं उनसे मैंने राय ली थी, तो उन्होंने ये बताया था मुझे, तो उनके कहने पे मैंने ये माइक ले लिया था। तो भाई अगर आप कमेंट करके बताइए कि इससे भी अच्छा कोई माइक आ सकता था वो कौन सा था, तो भाई देखेंगे लास्ट, मतलब ऊपर तो काफ़ी आते हैं लेकिन बजट माइक जो बजट में है अपने और काफ़ी अच्छी जो क्वालिटी आए इस बजट में, तो मतलब हमने तो जो पूछा था वो ले लिया, बस अब चला रहे हैं देखते हैं क्या क्वालिटी आती है, सुनते हैं घर जाके, क्योंकि यहाँ से तो खाली जाना पड़ेगा, कोई राइड तो मिलनी है नहीं, मुश्किल है, और खाली सड़कें ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ी की तरह किसी ने खरोच के खा ली हो इसको, इतनी अच्छी अच्छी सड़कें होती हैं फिर भी। तो एक बार इसकी जो हाई स्पीड है टेस्ट वो कर लेते हैं, और ग्रीन लाइट हो चुकी है, मौका है अच्छा निकलने का, और स्पीड में निकलते हैं और देखते हैं भाई आवाज़ कैसी आ रही है। तो स्पीड में वो ब्रेकर, और भाई राइड आ रही है अभी वो भी गुड़गांव की जैसे देख पा रहे होगे आप, तो यार गुड़गांव जाके फंसना नहीं है, बस इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमारा क्या है कि भाई ऑफिस भी जाना होता है, तो भाई अगर द्वारका की राइड हो, द्वारका उत्तम नगर तिलक नगर ये सारी राइड जो हम कर सकते हैं, और भाई अभी बाइक चल रही है अपनी जो 70 की स्पीड पे, तो भाई 70 की स्पीड पे क्या आवाज़ आ रही है वो हम देख सकते हैं। सेक्टर 28 गुड़गांव, भाई कितने बार दोगे नहीं जाना उस साइड, नहीं जाना क्योंकि भाई काफ़ी लंबा रूट हो जाएगा, और बस भाई अगर द्वारका की है तो कोई भेजो भाई, नहीं है तो मत भेजो, क्योंकि हमने नेविगेशन सेट करी हुई है ऑलरेडी, ऐप में पता नहीं क्या इशू चलता है, जब हमने लोकेशन सेट करी हुई है द्वारका की तो द्वारका की राइड दीजिए हमें। निकलते हैं अब घर अपने, मतलब घर के लिए निकल चुके थे, पहुंचने वाले हैं, तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, जब तक आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल डेली मोटो ब्लॉग में। तो भाई मतलब पूरा दिन तो नहीं कह सकते, मतलब जब भी आया मैं 7 बजे से लेके और 10 बज चुके हैं, तब से 85 रुपीज़ हमने मतलब अर्न करे हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए कोई नहीं, मेन तो जाओ जो था अपना माइक टेस्टिंग थी वो हो चुकी है भाई, तो चेक करेंगे क्या रिज़ल्ट आता है क्या रिज़ल्ट नहीं आता है, पहले से जो आपको कंप्लेंट थी वो दूर हुई है या नहीं हुई है। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, जब तक आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल डेली मोटो ब्लॉग के साथ।